ये नीचे वाला होगा ठंडा होगा। ये देखिए रोड हटाइए ना, इसको पत्ते को हटाइए, पत्ते को हटा रहे। ये कितने अच्छे हम लोग की रोटी बने दोस्तों, खाली ऊपर पत्ते सब जल गए, अब कितने अच्छे से पक रहे हैं पत्ते की रोटी देख। हाँ बेटा बना, बन रहा बन रहा, वो चांदनी एक्साइटेड। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिजेरिया ब्लॉग्स में। हम लोग कमेंट करते हैं कि रिया जी बिंदी नहीं लगाते, तो इसीलिए आज हम बिंदी लगा लिए हैं। बिंदी लगा लिए हैं आप लोग के कहने पर। एक्चुअल बात है कि हम लोग का काम बहुत सारे रहते हैं ना, इसी वजह से हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। समझने अभी सुबह हो गई है और इस तरह से अभी सीन है दोस्तों, और आप सभी लोगों को हमारी ओर से गुड मॉर्निंग। और दोस्तों आज हम लोग कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं, और स्पेशल क्या होने वाली है रिया जी बताएंगे। आज हम लोग पत्ते की रोटी बनाएंगे। आज हम लोग बनाने वाला है दोस्तों पत्ते वाला रोटी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या होती है पत्ते वाली रोटी। तो सबसे पहले हम लोग पत्ते तोड़ के ले आते हैं जंगल से। तो सबसे पहले हम लोग जंगल जाएंगे अभी और पत्ते तोड़ के ले आते हैं। और चांदनी इधर सुबह सुबह खेल रही है। चांदनी जाओगी? नहीं जाएगी। अच्छा ठीक है, चांदनी नहीं जाएगी। तो चलिए हम और रिया जी मिल करके जाते हैं, पत्ते तोड़ करके लाते हैं और जल्दी से ले आएंगे। तो दोस्तों सुबह सुबह चांदनी जिद्दी कर रही थी और हम लोग अभी रोड में घूम रहे हैं। अरे देखिए क्या ले ली चांदनी, क्या लिए? अब पैसा गिराई है, क्या ली दिखाओ। 15 रुपया, 5 रुपये का बिस्किट लिए। चलिए तुम भी जाओगी ना, चांदनी भी चली साथ में हम लोगों का। चलो आगे आगे चलो, दौड़ो आ जाओ। सुबह सुबह चांदनी दौड़ रही है, इधर से रास्ता दिख रहा है, इधर आ जल्दी आ। तो दोस्तों हम लोग जंगल के पास पहुंच गए, ये रहा जंगल और ऊपर चढ़ेंगे, आ जाओ बेटा। अरे यहाँ बहुत सारे पत्ते मिलेंगे ना जी। हाँ, बड़े बड़े, इधर से चलिए, आ जाओ बेटा आ जाओ, जल्दी जल्दी आ। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं जंगल में, ये रहा जंगल, और चांदनी भी आई है साथ में। वही ये जो पत्ते हैं ना, यही पत्ते को बस तोड़ेंगे। और देखिए कितना प्यारा प्यारा पत्ता है, देखिए कितने अच्छे अच्छे पत्ते हैं, और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने को। तोड़िए फटाफट, चले मिलकर हम लोग तोड़ लेते हैं दोस्तों पत्ते को। हाँ, तोड़ लेते हैं। क्या तुम्हें तोड़ोगे चांदनी? फटाफट तोड़ो, तोड़ो ऐसे करके जल्दी। चांदनी भी तोड़ रही है, जल्दी हो जाएंगे हम लोग का पत्ता। तो दोस्तों हम लोग का हो चुका पत्ता तोड़ा हुआ, देखिए इतने सारे पत्ते भी तोड़े हैं। आओ गोदी ले लीजिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए अब अच्छे से, यहाँ फिसलने का डर रहा, फिसलने का डर है तो फिर गिर जाएंगे। गला मने पकड़ो बेटा, चलो चलो चलो। ऐसा मौसम कर दिया कि बारिश, अभी तो टपक रहे थे बारिश। हाँ कैसा लग रहा है दोस्तों? फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, ये रहा पेड़, इसी पेड़ का पत्ते को हम लोग तोड़ेंगे, और इसका नाम है कोइनार सा, क्या कहते हैं? कोइनूर, कोइनूर या कोइनार है ना। और इसी का लोग भी रोटी बनाएंगे दोस्तों, इसी में डाल के यही साग को खाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, और इतना टेस्टी लगता है कि क्या बताया उसे, बहुत ही मतलब मस्त लगता है खाने में, बहुत अच्छा। और चांदनी दोस्तों देख रही है, चढ़ने का कोशिश कर रही है, देख रही है कैसे चढ़े ना चांदनी। तो चलिए हम चढ़ते हैं, फटाफट हम तोड़ लेते हैं दोस्तों साग को। तोड़ दीजिए इसमें लेके, तुम कहाँ चढ़ेगी, वहाँ नहीं सकेगी तुम। तो अब हम पेड़ के ऊपर चढ़ने जा रहे हैं, और इसको पहले बना लेते हैं गामछी को, अच्छे से बना लीजिए। थैला बना लिए हैं, इसी में रखेंगे तोड़ तोड़ के, और इतना छोटा छोटा तोड़िएगा। हाँ तुमको भी चढ़ा दूंगी। तो दोस्तों कुछ इस टाइप के पत्ते को तोड़ा जाता है, ऐसे
इसका जो नाजुक नाजुक पत्ते हैं ना उसको बस तोड़ते हैं और इसी को खाते हैं बना करके। ये पत्ते को इतना सारा तोड़ लिए, अभी तोड़ के हम रखते हैं उसी में डालते जाइए। तो चांदनी के पापा तोड़ रहे हैं और चांदनी बैठी हुई है। दोस्तों हम पत्ते को तोड़ रहे हैं, देखिए इधर। और कितना पत्ता भी आ गई है ऊपर, चांदनी पत्ते को तोड़ रही है। और कितना पत्ता तोड़ लिए, हो गया? नहीं अभी और, अभी लगेंगे, अभी तोड़, अभी और तोड़ेंगे अभी। हाँ उसमें हाँ चांदनी दे रही है दोस्तों, तोड़ तोड़ के देखिए। तो दोस्तों हो गई है पत्ता तोड़ा हुआ, तोड़ लिए कोनार का साग तोड़ लिए और गामछी में ले लिए और अब उतर रहे हैं। हाँ मेरे पत्ते दोस्तों इतना सारा पत्ता तोड़ लिए हैं, आ जाओ अब उसको भी उतार लीजिए। कैसे चढ़िया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यही पत्ता तोड़िए बहुत सारा। चलिए तो दोस्तों पूरी तरह से हो गई है साग तोड़ा हुआ, ये देखिए साग तोड़ लिए इतना सा, और पोटरी बना के रखे हैं गामछे का, क्योंकि गिरेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं इसीलिए। हाँ चांदनी ले रही है, चलिए उठाइए चलिए। अब अब हम लोग घर चले दोस्तों, अब हम लोग जा करके बनाएंगे पत्ते वाला रोटी, आ जाओ बेटा। तो दोस्तों लोग सारा सामान को ले आए, ये रहा पत्ते और इसको हम अच्छे से धो रहे हैं पानी से प्लेट में, क्योंकि इसमें बहुत इसे भी नहीं धोने से भी अच्छा ही रहता, लेकिन हम थोड़ा सा धो लेते हैं इसको। और ये रहा आटे, इसी को भी, इसी का भी हम लोग बनाएंगे आटे का, उसी में हम लोग डालेंगे इसको। हाँ बेटा और इधर अच्छे से हम धो लिए हैं अब इसको, और इधर लाल मिर्च है दो चार पीस इधर। हाँ उसको काट के डालेंगे। तो पहले सबसे पहले नहीं, नहीं सबसे पहले पत्री को टिप लीजिए, क्योंकि हाँ सबसे पहले वो पत्ते को टिप लेते हैं, उसी से हम लोग बनाएंगे दोस्तों अभी। हाँ इसको हम टिप लेते हैं और देखिए रिया जी कैसे टिप रहे हैं। सबसे पहले हम दो पत्ते ले लिए हैं और ऐसे करके डाल लिए हैं, उसके बाद इसको बीच में रखेंगे ऐसे करके, उसके बाद हम नीचे से इसको टिपेंगे वो भी बांस वाला तिनका से। अच्छा चांदनी भी इधर टिप रही है ना, चांदनी क्या होगा चिट्टी है और नीचे में चिट्टी है। इधर आ जा, ठीक है ना, इतना ही बड़ा ना। हाँ बस हो जाएंगे। हाँ ऐसे इतना बड़ा बड़ा पत्री नोट टिप रहे थे दोस्तों। तो हम एक पत्री टिप लिए हैं, अब दूसरा टिप रहे हैं, फिसल जा रहे हैं पत्ता। तो दोस्तों ये पत्री टिप रहे और हम इधर आटे को लगा दे रहे हैं, आटे को सान दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा गिल्ला मत लगाइएगा, है ना, थोड़ा दान, थोड़ा कड़ा है ना। हाँ थोड़ा कड़ा लगा दीजिए, इसमें नमक डाल लीजिए, नमक पहले, नमक हाँ। तो पहले बताना चाहिए ना जी आपको, इसमें नमक डाल दे रहे हैं हल्का सा। और हम इधर कितना सा डाल दे ना, कहीं तीखा ना हो जाए, तीता ना हो जाए, हमको नहीं आता। बस 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 डाल मिलाइए उसको अच्छे से। तवा भी गरम हो गए, जल्दी से मिलाइए, हुआ कि नहीं? और थोड़ा सा बाकी। हाँ अच्छे से मिला, तो नीचे थोड़ा सूखा हुआ है तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं, क्योंकि उसमें अच्छे से मिलेंगे। लीजिए तो दोस्तों आटे को मिला रहे हैं और रिया जी इधर साग को तब तक काट ले रहे हैं, इसमें डालेंगे तो और यही वो साग देखिए कोनार साग। इतना सारा डाल दें? हाँ सारा डाल दीजिए, हो जाएंगे। और इसका सब्जी भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों मेरा हो गया आटा सना हुआ, पूरी अच्छी तरह से आटे को सान लिए हैं और इधर हम साग काटेंगे। अब रिया जी अब साग को काट रहे हैं, ये देखिए साग, और यही साग का भी हम लोग बनाएंगे रोटी, इसी में डाल मिला करके, और इधर पत्ते भी इधर हम लोग अच्छे से बना लिए पत्ते, इसी पत्ते से बनाएंगे अभी हम लोग रोटी। हाँ इसको मिलाना है, थोड़ा सा रुक जाइए, इसको हम हाँ दीजिए, पहले हम साग काट देते हैं, साग को काट करके हम मिलाना है दोस्तों, उसी में डाल देंगे और अच्छा लगेगा। पहले इसी में रख लेते हैं, एक ही बार डाल दीजिएगा। तो हम साग काट लिए अच्छे से और इसमें हम डाल देंगे, और साग को हम लोग मिला दे रहे दोस्तों आटे में, और अच्छे से मिला दीजिएगा। हाँ लीजिए साग वाला रोटी, साग वाला रोटी बनाएंगे हम, इसमें डाल दीजिए अच्छे से। ये प्योरी से विटामिन, बहुत सारे विटामिन है दोस्तों ये साग में, और इसे भी गांव के साग में अच्छा तो लगता है खाने में, खाने में बहुत अच्छा लगता है।
तो दोस्तों पूरी तरह से साग को हम मिला दिए आटे से। अच्छा, उसमें मिर्चा भी डालना? हाँ, मिर्चा भी डालना है ना। अब इसमें हम मिर्चा डाल देते हैं, सूखा हुआ लीजिए, डाल दीजिए। मिर्चा डाल दे रहे सूखा हुआ। तो पूरी तरह से रेडी हो गई दोस्तों हमारा, अब रोटी बनने को बाकी है। अब हो गई पूरी रेडी, सब मिला दिए आटे में सारा चीज। हाँ, पहले हाथ धो लिया। और पहले हम हाथ धो लेते हैं दोस्तों, जो हम पत्ता पीते हैं इसको हम अच्छे से धो लेंगे पानी से। ऐसे एक बार धो लिए, फिर भी और एक बार धो ले रहे हैं अच्छे से। तो हम पत्ते को अच्छे से हम धो लिए। अब हम पत्ते को सूप में रख लेते हैं, और इसमें हम ये जो घोले हैं उसको हम इसमें डालेंगे पत्ते में। तो ऐसे करके पानी डाल डाल के, क्योंकि अच्छे से चारों साइड। हाँ बेटा, बन रहा वो चांदनी एक्साइटेड है खाने को, बन रहा ना, बस दो मिनट में बन जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से बनते हैं दोस्तों पत्ते की रोटी। और इसमें ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, क्योंकि इसमें सटेंगे नहीं। और देखिए दोस्तों पत्ते की रोटी कुछ इस तरह से बनते हैं, गांव में बनाते हैं। और इसको हम ऊपर से ढक देंगे, ऊपर से रिया जी ढक दे रहे हैं इसको, और इसको सटा दे रहे हैं, और काफी अच्छा लगेंगे खाम बनने के बाद, बहुत ही टेस्टी। और इसके बाद हम इसमें ताई में डाल दें। अब आग जलाएंगे। तो दोस्तों कितने अच्छे से रोटी हमारे पक रहे हैं, ये देखिए पत्ते की रोटी। और रियाजी पलट दे रहे हैं, एक साइड पक गए हैं, देखिए कैसे पलट रहे हैं रियाजी रोटी को। अब पूरी मतलब कि काला लग रहे है देखने में, लेकिन बट ये अंदर का जो भाग है वो काफी अच्छा से पकेंगे इससे। खाली पत्ते जलेंगे दोनों, बस पत्ते ही जलेंगे, बाकी बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में इस टाइप की रोटी। अंदर में तो बहुत ही अच्छे, इसको हम लोग कहते हैं पातफोड़ा। क्या कहते हैं? पातफोड़ा, पातफोड़ा रोटी कहते हैं इसको हम लोग, साग वाला पातफोड़ा रोटी। ये देखिए रोटी, पूरा पत्ते जल गए दोस्तों। हमारी रोटी पूरी तरह से पक चुकी है, ये देखिए रोटी उतारेंगे। अब रियाजी रोटी को उतार रहे हैं, यहाँ रखिए उतार के थाली में रख देते हैं। देखिए दोस्तों हमारी रोटी कुछ इस तरह से बनी है, और ऊपर वाला हम लोग हटा देंगे। कुछ ऐसे सभी रोटी को भी हम लोग बनाएंगे दोस्तों, इतने सारे भी आटे हैं, अभी सबको बना लेते हैं एक एक करके रोटी को, है ना जी। हम लोग बनाएंगे अभी, लगेंगे अभी 15 मिनट रोटी को बनाने के लिए। बहुत ही सरल विधि है, बस साग तोड़ के लाए, आटा को साने, और हम लोग इसको बना रहे हैं। चांदनी आ गई है खाने के लिए, तैयार है, दे हेलो बेटा खाओ इसको, हम दे दे रहे हैं चांदनी को। हाँ, खाएगी रोटी, और चांदनी खाने के लिए एक्साइटेड है रोटी, और चांदनी हटा रही है पत्ते को। देखिए रोटी कितना अच्छा बनाई, देखिए बस पत्ता ऊपर वाला जला है, और ऊपर वाला हटा लो बेटा अच्छे से। तो दोस्तों अब हमारी रोटी भी बनने ही वाली है, बस और दो पीस बाकी है। इतना सारा भी रोटी हम लोग बना लिए हैं, बन रहे हैं, और इधर एक पीस बन रहा है। और हमारी रोटी कुछ इस तरह से बने दोस्तों, पूरा जला हुआ रोटी, थोड़ा ठंडा होंगे उसके बाद इसको हटा। लेकिन ये जला हुआ रोटी नहीं है, अंदर बहुत ही अच्छा है, बस बाहर से दिख रहा है पत्ते सब दोनों, बस अब दो पीस रोटी बनाना बाकी है। तो दोस्तों हम लोगों की पूरी तरह से रोटियां बन चुकी है, ये आखिरी रोटी थी, ये भी कम्प्लीट हो गई है, अच्छे से पक गए हैं। अब इसको हम उतारेंगे, उतारिए, काफी जोरों की भूख लगी हुई दोस्तों। और ये रहे हमारी रोटियां, सारी रोटी तो बन गई है, उतार देते। और दोस्तों कौन कौन ऐसी रोटी खाए हैं पत्ता वाला रोटियां, इसको हम लोग कहते हैं पातफोड़ा हमारे लोकल लैंग्वेज में, और गांव में ये बहुत ही लोग बनाते हैं इस रोटी को, कोई बनाते हैं। और ये कोलार साग की रोटी है दोस्तों, बहुत ही बेस्ट लगती है ये रोटी, इतना अच्छा लगता है कि क्या बताया आपसे, अंदर में बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक रोटी निकाली है, और आप सभी लोगों को टेस्ट करके बताते हैं दोस्तों की रोटी कैसी बनी है। एक रोटी निकाल, ये नीचे वाला होगा ठंडा। हाँ, होगा। ये देखिए हटाइए ना इसको, पत्ते को हटाइए, पत्ते को हटा रहे। कितने अच्छे हम लोग रोटी बने दोस्तों, खाली ऊपर पत्ते सब जल गए। अब देखिए ना कितना सुंदर रोटी, इसका कलर कितना मस्त है, देखिए पत्ता वाला रोटी। और देखिए पत्ता जैसा ये रोटी बन गया है, जैसे आप लोग करीब से देख पा रहे हैं। तो दोस्तों रोटी पूरी तरह से साफ हो गए रिया जी, और ये देखिए पत्ते वाली रोटी, अच्छे से हम हटा दिए पत्ते को। अब टेस्ट कैसे है, अब खा के देखते हैं तभी पता लगता है। तो पहले टेस्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग खा लीजिए दोस्तों, इसी में से खा लीजिए आप लोग भी, बहुत अच्छा बनाए हैं हम।
ये देखिए रोटी, पत्ते वाले रोटी, पकड़िए इसको। रोटी कैसे बने आप देखते हैं थोड़ा सा, कैसा? बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा बना दोस्तों पत्ते वाला रोटी। तो दोस्तों लोग रोटी खा लिए, बहुत ही टेस्टी बना रोटी, बहुत ही अच्छा बनाया रियाजी रोटी। अरे ऐसे ही पत्ते वाला रोटी, ऐसे ही रोटी, ऐसे ही रोटी बनाते हैं पत्ते वाले। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की ब्लॉग वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, खुश रहे, खुशियां बांटे, बाय बाय दोस्तों।